नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू स्टेट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ कोमल झा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पास एक ऐसी स्मार्ट वॉच मौजूद है जो 1947 से हमें खतरों का संकेत देती आ रही है। कमाल की बात यह है कि बीते कुछ सालों में इस घड़ी ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है, यानी अब हम पहले से ज्यादा तेजी से प्रलय के नजदीक पहुंच रहे हैं। हम डूम्सडे क्लॉक की बात कर रहे हैं, जो कि एक सांकेतिक घड़ी है। ये महामारी, परमाणु हमलों और जलवायु संकट के कारण वैश्विक तबाही की संभावनाओं को दर्शाती है। वैज्ञानिक प्रलय आने से पहले इंसानों को बचाए रखने के लिए जितने भी जतन कर रहे हैं, उसमें से ये वॉच सबसे अहम है, क्योंकि यही है जो प्रलय का समय बता रही है। डूम्सडे वॉच दुनिया की इकलौती ऐसी वॉच है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। 1945 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और शिकागो विश्वविद्यालय के छात्रों के अलावा कुछ परमाणु वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर डूम्सडे वॉच को बनाया था। प्रलय की घड़ी का निर्माण इसलिए किया गया ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि उनके पास कितना समय बचा है। इस वॉच को वैज्ञानिकों का एक पैनल, जिसमें 13 नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल है, उसे निर्धारित करते हैं। यानी हर साल इस वॉच का समय बदला जाता है। वॉच का समय उस साल हुए प्राकृतिक बदलावों के अलावा इंसानों को हुए नुकसान के आधार पर बदला जाता है। जब इसे पहली बार 1947 में बनाया गया था, तब इंसानों को केवल परमाणु हमलों से ही खतरा था और वॉच केवल इसी खतरे से आगाह करने का काम कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे इंसानों पर दूसरे खतरे भी मंडराने लगे, जैसे प्राकृतिक बदलाव, प्रदूषण, भुखमरी, हिंसा, एलियन और रोबोट्स भी। डूम्सडे वॉच जब इसे पहली बार 1947 में बनाया गया था, तब ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है जब इस घड़ी के समय को 10 सेकंड घटा दिया गया है। यानी दुनिया अब प्रलय से केवल 90 सेकंड दूर है। लेकिन डूम्सडे वॉच के 90 सेकंड का गणित हमारी सामान्य घड़ियों से अलग है, इसलिए आप आगामी 90 सेकंड के लिए घबराएं नहीं। असल में घड़ी को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें आधी रात के 12 बजते हैं। रात के 12 बजना यानी प्रलय का आना, और हमारे पास जीवन का उतना ही समय है जितना 12 बजने से पहले का समय बचा हुआ है। जब इसे पहली बार 1947 में बनाया गया था, तो इसकी रफ्तार आम घड़ियों की तुलना में काफी धीमी थी। हालांकि समय समय पर होने वाले प्राकृतिक और इंसानी बदलावों के कारण गति तेज भी हो सकती है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट नाम की एक संस्था इस घड़ी की निगरानी कर रही है। ये संस्था न्यूक्लियर अटैक, बायोकेमिकल हथियार, साइबर सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज की निगरानी भी करती है। इसके अलावा दुनिया भर के मशहूर और जाने माने नेताओं, बिजनेसमैन, शेयर मार्केट के उतार चढ़ावों पर भी इस संस्था की नजर रहती है। इस दौरान संस्था संभावित खतरों की तलाश करती है और फिर वैज्ञानिक उसी आधार पर डूम्सडे वॉच का टाइम 12 बजे से पहले के कुछ सेकंड के लिए तय कर देते हैं। इस समय के दौरान दुनिया भर के तमाम नेताओं, बिजनेसमैन, संस्थाओं आदि को आगाह किया जाता है कि वे हालातों को सुधारने के लिए प्लान तैयार कर ले। जैसे ही प्लान पर काम शुरू होता है, घड़ी का समय अपने आप पीछे चला जाता है और इंसानों को जीने का कुछ और समय मिल जाता है। सीधी बात यह है कि जिस दिन डूम्सडे वॉच में सुइयां 12 बजा देंगी, उस दिन प्रलय आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस घड़ी को 1947 में तबाही से 7 मिनट पहले सेट किया गया था, लेकिन आगे इसमें बदलाव होते रहे। 1991 में घड़ी को तबाही से 17 मिनट पहले सेट किया गया। माना जाता है कि यह सबसे सकारात्मक कदम था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप, इबोला वायरस, सीरिया हमले, अफगानिस्तान सत्ता पलट और फिर यूक्रेन और रूस की जंग के बाद से ये समय लगातार घटता ही जा रहा है। अब 2023 में इतिहास का सबसे कम समय यानी 90 सेकंड सेट किया गया है। यानी अब इंसानों के पास जीने के लिए 90 सेकंड से भी कम समय रह गया है। ये सेकंड भले ही आने वाले कुछ दशकों का समय हमें दे दे, पर इतना तो तय है कि अगर अभी प्रयास नहीं किया गया और घड़ी की सुइयों को 12 बजने से नहीं रोका गया, तो तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता।